खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से है, जहां 3 दिन से लापता युवक की पहचान करने पर परिजनों ने बीपीएल कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि लगातार 3 दिन से लिंक रोड थाने और बीपीएल कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं, मगर कोई भी उनको इस बारे में बताने की जहमत नहीं उठा रहा। 3 दिन बाद साहिबाबाद पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस में मनीष की बॉडी के रूप में परिवारजनों ने पुष्टि की है। दरअसल कोतवाली के नसरतपुरा एरिया में रहने वाले मनीष और उसके दो साथी नईम अयूब 3 दिन पहले दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए साहिबाबाद सब्जी मंडी के लिए घर से निकले थे। नईम और अयूब तो घर आ गए, मगर मनीष घर नहीं आ पाया। जब इसके बारे में परिवार वालों ने नईम अयूब से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे किसी बीपीएल कंपनी के अंदर घुसकर ड्रिंक कर रहे थे। वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा उन पर गोली चलाई गई थी, जिसमें मनीष को गोली लग गई। मनीष के साथ मामला जो हुआ है, ये लोग 3-4 जने काम के लिए गए थे मंडी के कर, लोडिंग अनलोडिंग का काम करेंगे, 500 रुपये दिहाड़ी दी। नाइट में गए थे ये, जिसमें ये एक हमारा भाई मनीष है जो वो तो आया नहीं, और दो लड़के जो उनके साथ गए थे, 2 या 3 जो भी थे, वो अपना वापस आ गए। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, अगले दिन बताते हैं कि वो वहाँ बंद है, वहाँ चले जाओ, वहाँ से छुड़ा लाओ, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने फिर ये बताया उन्हीं लड़कों ने कि इस हम जो एक कंपनी में चोरी करने के लिए घुस गए थे, वहाँ पर हमने चोरी भी कर ली, लेकिन मनीष अंदर था, मैं उसको खींच रहा था तो गार्ड ने गोली चला दी और मनीष अंदर ही गिर गया है, और मैं वहाँ से भाग गया। ये सारी बातें उस लड़के ने बताई हमें। वहीं अब परिवार के लोगों द्वारा लिंक रोड थाने की पुलिस और बीपीएल कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड शक के घेरे में आ गए हैं। जहां एक तरफ नईम और अयूब की बातें किसी हद तक सच साबित हो रही हैं, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली भी संदिग्ध नजर आ रही है।